सो हेलो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे नए और फ्रेश वीडियो में। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं ऐश के गैलेरियन टीम के बारे में, ऐश के गैलार के पोकेमॉन के बारे में। और आज हम उन पोकेमॉन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे जो ऑफिशियली कन्फर्म्ड है पोकेमॉन कंपनी के द्वारा, जैसे कि ड्रैगनाइट, गेंगार, रायलू या शोबल। आज हम उन्हीं पोकेमॉन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कन्फर्म नहीं है और ऐश उसे कैच कर सकता है। कन्फर्म नहीं है पर कैच कर सकता है। और मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि पिछले 6 मिनट के वीडियो में मैंने एक बार भी ब्लेड को बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो क्या करूँ यार, ब्लेड का आवाज़ ही नहीं निकाल सकता मैं, उसकी वॉइस ही नहीं निकाल सकता, ट्राई कर रहा हूँ निकालने की, इसीलिए माफ़ कर दो यार। अब किसी को पता नहीं होगा कि ब्लेड कौन है, तो मैं बता दूँ ब्लेड मेरा पोके पेट है। और किसी को ये भी पता नहीं होगा कि पोके पेट क्या है, तो बता दूँ हर पोके ट्यूबर कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन पोके ट्यूबर अपना पेट रख सकता है, जैसे कि लोग रखते हैं कुत्ते बिल्ली, वैसे हम पेट भी रखते हैं। कंपलसरी तो नहीं है पर जिसको रहना चाहे वो रख सकते हैं, इसलिए मैंने भी रख दिया। और जिसको ये भी नहीं पता है कि पोके ट्यूबर क्या है, तो तुम क्या कर रहे हो यार, खुद पोकेमॉन के वीडियो देख रहे हो और पता नहीं कि पोके ट्यूबर क्या है। पोके ट्यूबर वो है जो यूट्यूब में पोकेमॉन के वीडियो बनाता है। और अगर तुम्हें यूट्यूब क्या है वो भी नहीं पता, तो निकल लाउड, पहली फुर्सत में निकल। तो फालतू बात छोड़ के वीडियो के टॉपिक में आते हैं। तो आपको मेरी आवाज थोड़ा बदला बदला लग रहा होगा और आप ये भी सोच रहे हैं कि ये कौन है यार, पहले तो कोई और ही बोल रहा था, अबे कौन आदमी आ गया। तो ना मुन्ना ना, मैं वही आदमी हूँ जो पहले बोला था। क्या करूँ यार, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए छुप छुप के वीडियो बनाना पड़ता है। और जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ बीच में टपक जाते हैं, इसीलिए रिकॉर्डिंग को वहीं पे स्टॉप करना पड़ता है और बाद में वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर भी कोई बात नहीं, आपको आगे जाके आदत पड़ जाएगी। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंट्रो लगाते हैं। चल ब्लेड इंट्रो लगा। और हाँ, इस वीडियो में भी ब्लेड बोलने वाला नहीं है। नंबर 5 की बात करें तो वो है एक फैन फेवरेट पोकेमॉन लैटियस। पीक हमारे सामने आई थी कि एस लैटियस को कैच करने वाला है एपिसोड 57 में। ये तो पता नहीं कि एस उसे कैच करेगा या नहीं करेगा, पर कॉन्फर्म भी नहीं है कि एस उसे कैच करेगा ही करेगा। इस पोकेमॉन के कुछ ज्यादा चांसेस तो नहीं थे, पर इस लिस्ट में एक फैन फेवरेट पोकेमॉन को डाल दिया गया है। इस पोकेमॉन के सिर्फ 40% चांस ही था कि ऐश उसे कैच करेगा, फिर भी कम चांस होते हुए भी वो इस लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि पोकेमॉन मर्चेंडाइज के हिसाब से ऐश उसे जल्दी कैच कर लेगा पोकेमॉन एनिमी सीरीज में। तो देखते हैं ऐश उसे कैच करेगा नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐश ने उसे कैच कर लिया है सॉर्ड एंड शील्ड में तो काफी अच्छा होगा हम फैंस के लिए, और ऐश के साथ एक सबसे पहला लेजेंडरी पोकेमॉन देखने को भी मिलेगा। तो अब नंबर 4 की तरफ चलें तो वो है स्लोकिंग। स्लोकिंग का मामला भी कुछ ड्रैगनाइट के जैसा ही है। ऐश और गू जाएंगे एक स्लोकिंग आइलैंड में और उनमें से एक स्लोकिंग को ऐश कैच कर लेगा। ये तो कंफर्म नहीं है कि ऐश उसे कैच करेगा, लेकिन ऐश और गू में एक न एक तो उसे कैच कर ही लेंगे। लिख के देता हूँ 100% गारंटी कैच कर ही लेंगे। और अगर ऐश ने कैच कर लिया तो जबरदस्त पोकेमॉन देखने को मिलेगा। और स्लोकिंग भी कुछ ऐसा ऐसा स्लोकिंग नहीं है, वो एक अलोलन स्लोकिंग को कैच करने वाला है। अगर ऐश ने कैच नहीं किया तो गू कैच कर लेगा, अगर गू कैच नहीं किया तो ऐश कैच कर लेगा, पर एक ना एक तो कैच जरूर कर लेंगे। तो अब देखते हैं कब कैच करेंगे, ये कॉन्फर्म तो नहीं है, बस ये मेरी थ्योरी है कि वो कैच कर ही लेंगे। अगर ऐश ने स्लोकिंग को कैच कर लिया तो हमको एक जबरदस्त साइकिक टाइप पोकेमॉन देखने को मिलेगा। अगर कैच कर लिया तो अच्छा है, और नहीं किया तो भी अच्छा ही है। तो अब नंबर 3 की बात करें तो वो है कॉर्विनाइट। कुछ लीक हमारे सामने आए थे कि ऐश कॉर्विनाइट को कैच करने वाला है एपिसोड 51 में। और जब से कॉर्विनाइट को इंट्रोड्यूस किया गया है सॉर्ड एंड शील्ड में, तब से तो भाई साहब सब उसके फैन हो गए हैं, सबके दिलों में रहता है कॉर्विनाइट, वो एक फैन फेवरेट पोकेमॉन बन गया है। तो अब देखो हर रीजन ऐश हमेशा एक एक रीजन तो घूमता ही है, और जब भी वो नए रीजन में जाता है वहाँ एक ना एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन तो पड़ता ही है। आप कांटो से अलोला तक देख लो, उसकी टीम में हमेशा एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन तो होता ही है। और अब भी वो कॉर्विनाइट को पकड़ लेगा, और मैं पर्सनली बता रहा हूँ मुझे कॉर्विनाइट बहुत पसंद है। और अगर ऐश कॉर्विनाइट को कैच कर लेगा तो बाकी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐश कॉर्विनाइट को कैच कर ले सॉर्ड एंड शील्ड में।
तो अब नंबर दो की बात करें तो वो है मचाम। हाँ यार, मुझे पता है कि मचाम का कोई सेंस नहीं बनता इस लिस्ट में डालने का, फिर भी देखो एश ने कांटो के इलाइट फोर के सिग्नेचर पोकेमॉन पकड़ लिए, जैसे कि इगेथा का गेंगार, लेंस का ड्रैगनाइट, लोरिली का लैप्रस उसके पास है, तो ब्रूनो का मचाम पकड़ लेगा तो उसका पूरा कॉम्बिनेशन परफेक्ट हो जाएगा ना। तो अब एश मचाम को पकड़ लेगा, ये कॉन्फर्म तो नहीं है, बस ये हमारे थ्योरी है कि एश मचाम को पकड़ लेगा। और मचाम पे एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी है, और आप सबको तो पता ही है एश के पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन की कितनी कमी है, तो उसके पास एक जबरदस्त फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एश मचाम को पकड़े, तो अब देखते हैं एश मचाम को किस एपिसोड में पकड़ता है, या नहीं भी पकड़ सकता है फिर भी अगर एश उसे कैच कर लेगा तो काफी अच्छा भी रहेगा हम लोगों के लिए। तो अब नंबर एक की बात करें तो वो है हम सबका प्यारा पोकेमॉन ग्रूकी। जैसे कि आप सबको तो पता ही होगा कि ये न्यूज ऑलरेडी स्टारों तरफ फैल गया है, और एश ग्रूकी को कैच करने वाला है एपिसोड 31 में एश ग्रूकी को कैच कर लेगा। और मैंने इस वीडियो में जिन जिन पोकेमॉन को बताया ना, सब में से सबसे ज्यादा चांस ग्रूकी के ही है। ग्रूकी के 99% चांसेस है कि एश उसे कैच कर ही लेगा। और पोकेमॉन के इन क्रेडिट सीन में भी तीन पोकेमॉन दिखाया गया था, एक था अंडा, एक था ग्रूकी और एक था लाइगनरॉक। और अंडा तो एश के पास आ गया, और लाइगनरॉक तो एश के पास ही और वो रिटर्न भी आने वाला है, तो ग्रूकी तो रहेगा ना, और ग्रूकी को एश पकड़ लेगा। और जब एश ग्रूकी को कैच करेगा ना, तब उसका ग्रूकी रिलाबू में इवॉल्व हो जाएगा, फुल्ली इवॉल्व पोकेमॉन बन जाएगा, और काफी मजा आएगा शॉर्ट एंड शील में देखने के लिए। तो अब आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और बाय बाय। मैं हूं सिकंदर, साजा मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, जमी आसमां और सागर से हार जाए।